नाउ क्लास, ये इस चैप्टर की फोर्थ वीडियो है। इसमें हम जानते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। हमें पॉलिटिकल राइट्स तो मिले हुए हैं, यानी कि फाइव जो राइट्स हैं वो हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम बराबर अपनी ड्यूटी भी करें। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी इंजॉय अ लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इंडियन सिटीजन्स के अकॉर्डिंग के होते हम बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं। वी एज सिटीजन्स आल्सो हैव सम ड्यूटीज। एक सिटीजन्स के रूप में हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स द नेशन, यानी कि राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। 1976 में सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उस समय 42 संवैधानिक संशोधन हुआ। लेट्स रीड अबाउट देम। अब उनके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्लास फर्स्ट वन क्या है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा एंड द नेशनल एंथम, इन सब का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी। तो ये ड्यूटी हम नहीं करते हैं तो हमारे राइट भी बेकार है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, तो कुछ नोबल आइडियल्स को हम फॉलो करें विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिन्होंने फ्रीडम के लिए हमारे नेशनल स्ट्रगल के लिए इंस्पायर किया था। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरनिटी, अपहोल्ड मीन्स क्या होता है, ऊपर उठाना, आगे ले जाना और अपनी सॉवरनिटी की सुरक्षा करना। सॉवरनिटी क्या होता है, सुप्रीम पावर जो राजा के पास होती है, यूनिटी की रक्षा करना और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की सॉवरनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करना होता है। ठीक है, इंटेग्रिटी का मीन्स क्या होता है, ये भी मतलब यह है कि एकता, और इसका मीनिंग भी इंटीग्रिटी मीन्स भी एकता होता है, यानी कि ये मेंटेन रहे। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है क्लास, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, देश की रक्षा करें और नेशनल सर्विस को प्रेफर करें व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब ये करने को कहा जाए तो हमें देश सेवा में तुरंत तैयार रहना चाहिए। टू प्रमोट हारमोनी, फिफ्थ पॉइंट है, देखिए हारमोनी का मतलब होता है एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाकर रखना, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो कॉमन ब्रदरहुड की एक स्पिरिट और हारमोनी को मेंटेन रखना अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के सभी लोगों में ऐसा होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है, टू वैल्यू द एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अपनी जो कंपोजिट कल्चर है, मिलीजुली जो संस्कृति है हमारी, उसकी रिच हेरिटेज को सुरक्षित रखा जाए और उसको वैल्यू दी जाए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट की सुरक्षा और सुधार करना चाहिए, जिसमें क्या क्या शामिल है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स, और हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए और इन सभी को हमें सुरक्षा करें और इन्हें संरक्षित करें। टू डेवलप, अर्थ पॉइंट क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, एक साइंटिफिक नेचर हम डेवलप करें, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो क्या क्या हम डेवलप करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग का होना, मानवता, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट हम डेवलप करें। नाइन पॉइंट है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसका हमें रक्षा करनी चाहिए, एंड टू एब्ज्योर वायलेंस और हिंसा से बचना चाहिए। टेन पॉइंट का, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, हमेशा अच्छे काम करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है, द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल, हमारा देश हायर लेवल पर बढ़ता रहेगा। 11 पॉइंट, एवरी इंडियन पेरेंट और गार्जियन मस्ट इंश्योर दैट, हर एक इंडियन पेरेंट और गार्जियंस को इस बात के लिए इंश्योर होना चाहिए, हिज हर चाइल्ड और वार्ड इज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, कि हमारे बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है, बिटवीन एज 6 एंड 14, तो 6 से 14 के बीच हमारे गार्जियंस इतने जागरूक होंगे कि उन बच्चों की स्टडी वो प्रॉपरली कराएंगे, यानी कि शिक्षा का अधिकार मिला जरूर है लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है
कि हम अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। तो ये एक ड्यूटी बनती है हमारी।